तो अंकित, अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम अंकित पटेल है, मैं रायसेन जिले से बिलोंग करता हूं। ठीक है। मैंने स्कूलिंग अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ही की है। उसके बाद मैंने कॉलेज जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है, जहां मैंने बीई किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। और मुझे चेस खेलना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है। इसके अलावा ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है एमपीपीएससी के लिए। अच्छा, आप मेरे को ये बताएं कि आप इंजीनियर है बाई प्रोफेशन। जी सर। तो आप सिविल सर्विसेज की फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं? सर, सिविल सर्विसेज के लिए इंजीनियरिंग एक कोई डिग्री तो चाहिए ही थी, लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग चूज की थी तो उस टाइम मेरी प्रायोरिटी इंजीनियरिंग थी, लेकिन जब मुझे लगा कि एज अ प्रोफेशन कहाँ जाना चाहिए तो मुझे सिविल सर्विसेज बेटर ऑप्शन लगा। नहीं तो आपको नहीं लगता कि आप देश का जो रिसोर्स है वो आपने वेस्ट कर दिया? एक सीट आपने, अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेते तो आपकी जगह पर जो इंजीनियर है जो जाकर फील्ड में उसी प्रोफेशन में जुड़ता, उसकी सीट आपने ले ली। सर, मुझे कुछ ना कुछ डिग्री तो लेनी ही पड़ती। और रही बात रिसोर्सेज वेस्ट करने की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो मैंने सीखा है उसे मैं डेफिनेटली अपने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करूँगा, और जो सर्विस डिलीवरी है उसको और अच्छे से कर पाऊँगा। कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे? सर, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया है, तो आजकल ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो डेफिनेटली जो दूसरे ब्रांचेस से हैं उससे अच्छे से मैं ग्रास्प कर पाऊंगा और उनको अप्लाई कर पाऊंगा। जैसे आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बेसिक पॉइंट क्या होगा? आप पब्लिक सर्विस में जाएंगे तो सबसे मेन पॉइंट होता है 1-to-1 कॉन्टैक्ट या पर्सनल कॉन्टैक्ट विथ सिटीजन्स। जी सर। या जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे। जी सर। तो क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड से हो, आप ह्यूमैनिटीज से नहीं हो, तो आप मेरे को उस फील्ड में बताइए आप वहां पर कैसे डील करेंगे, क्योंकि आपको फील्ड में भेजा जाएगा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जी सर। तो आप मेरे को ये बताएं, चलिए ठीक है, आपने इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया, आप बेटर तरीके से चीजों को, लेकिन आपको उससे पहले आपको प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन और बाकी सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। जी सर। तो वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि वो आपका एक्सपर्टाइज फील्ड नहीं है। सर, जो एक्सपर्टाइज फील्ड की है वो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं हम सिर्फ बुक्स से सीखें। हम इतने टाइम समाज में रह रहे हैं, सीख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, खुद गवर्नेंस को देख रहे हैं, डेली फेस कर रहे हैं, तो हम वहाँ से सीख रहे हैं सर, और जो वो सीख रहे हैं उसको ही हमें अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि बुक इस नॉलेज से ज़्यादा जरूरी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। चलिए, मतलब आपके हिसाब से आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी है, तो आप मेरे को बताइए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? सर, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, जो जो बनाई गई पॉलिसीज हैं उनको जनता तक पहुँचाना, वो एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में क्या अंतर होता है? सर, एम्पैथी, अगर हम सिंपैथी देखें तो किसी के लिए एक भावना रखना कि उसे कुछ दुख है या वो कैसा फील कर रहा है, वो हम फील कर रहे हैं, वो सिर्फ हम देख रहे हैं, वो सिंपैथी है। लेकिन अगर जो सामने वाला फील कर रहा है वैसा ही अगर हमें फील हो रहा है, जैसे कोई बच्चा रो रहा है उसे देख के अगर हमें दुख हो रहा है, तो वो एम्पैथी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो एम्पैथी है ये कैसे वर्कआउट करता है? सर, मुझे लगता है एम्पैथी के एक कदम आगे हमें कंपैशन पे जाना चाहिए। कि जो फील कर रहा है वो अगर हम भी फील करें, साथ ही साथ उसके लिए कुछ करने की हमारे अंदर ललक हो, कि अगर उसे कुछ जरूरत है तो हम उसकी जरूरत पूरी करें, तो मुझे लगता है वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं एक कंडीशन में डाल रहा हूँ, आप उस कंडीशन में बताइएगा कि कैसे। जैसे आप SDM बन गए, आप अपने रेगुलर विजिट में जा रहे थे। जी सर। एक गांव दिखा आपको। जी सर। ठीक है ना, आप उस गांव में जब आपने विजिट किया तो आपको पता चला कि स्वास्थ्य विभाग की जो एक प्रमुख सेवा होती है इम्यूनाइजेशन। जी सर। ठीक है ना, टीकाकरण जिसको कहते हैं। जी सर। तो वो यूनिवर्सल होती है, प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण, मतलब उसका टीकाकरण होना चाहिए, और ये करता है ये, या फिर ये टीकाकरण का कार्यक्रम संचालित करती है ग्राम के लेवल पे ANM। ठीक है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट की एक वर्कर होती है, और वो ANM वो वहां पर कई महीनों से नहीं आई है, टीकाकरण नहीं हुआ। आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? सर, पहला मेरा एक्शन रहेगा
कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी टीकाकरण किया जाए कि जो बच्चे नहीं है, क्योंकि किसी भी कैसे करवाएंगे टीकाकरण? सर पहले तो मैं वो नर्स को ही, जो ANM है उनको ही बुलाऊंगा, साथ ही साथ एक और जो एक वो ANM कैसे बुलाएंगे आप? आपके पास फोन नंबर होगा क्या? सर जो भी रिस्पॉन्सिबल जो है, जो अधिकारी हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको कॉन्टेक्ट करूंगा मैं, और जल्दी से जल्दी जो हो सकता है मे बी उसी दिन और या अगले दिन तो हो जाना चाहिए। अगर वो किसी रीजन से एबसेंट हैं उसकी जगह कोई दूसरा आके करे, कोई दूसरे ANM की सहायता ले सकते हैं जो पड़ोस के जो गाँव है, तो किसी भी तरीके से होगा मैं करूँगा। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद सर मैं उसे रिव्यू करूंगा कि वहाँ जो हुआ है क्या नहीं, और अगर कुछ बच्चे छूट रहे हैं या सबको हो गया तो सर उसके लिए एक तरीके से उनको शाबाशी भी दूंगा कि हाँ अच्छा काम किया। और बाकी ANM का आप क्या करेंगे जो एब्सेंट है, जो पिछले एक डेढ़ महीनों से नहीं आई? सर वो रीज़न देखना पड़ेगा कि वो रीज़न क्या है, अगर वो बता कर गए हैं जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं वो बिना बताए एब्सेंट है तो डेफिनेटली कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए। बता कर गई होगी तो मेडिकल ऑफिसर ने ऑल्टरनेट व्यवस्था की होती, डेढ़ महीने से इम्यूनाइजेशन, ऐसा नहीं था कि बंद हो सकता था। जी सर। तो फिर सर अगर बता के नहीं है तो डेफिनेटली लीगल एक्शन में भी टेम्पररी सस्पेंड किया जा सकता है, तो यहाँ पर तो मैं लीगल एक्शन लूंगा सर। ठीक है, आपने क्या बताया कि आपका जो अभिरुचि है वो है मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ना? जी सर। किस तरह की पुस्तकें आपने पढ़ी है, इंडियन राइटर फॉरेन राइटर? सर मैंने दोनों, इंडियन राइटर और फॉरेन राइटर्स। एक आध दो बुक के नाम बताइए। सर जैसे मैंने हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, डेल कार्नेगी की, वो पढ़ी है। जी ठीक है, क्या उसका बेसिक क्रक्स क्या था उस किताब का? सर उसमें बेसिक पब्लिक स्पीकिंग और लाइक हाउ टू डील विद पीपल, लाइक हम अगर किसी से मिल रहे हैं हमारे जो रिलेशन है वो किस तरीके से अच्छे कर सकते हैं, हम जो कम्युनिकेशन वो कैसे बेटर कर सकते हैं, जैसे कि लिसनिंग पे बहुत उन्होंने फोकस किया कि हम कई बार हम इतने बोलने के उत्सुक रहते हैं कि सामने वाले को सुनते ही नहीं है और अपनी बात थोपते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाता है। इसके अलावा हमें बोलने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की रुचि क्या है, हम सिर्फ अपनी बात पे फोर्स करेंगे और सामने वाले को जानेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये बताइए इंटीग्रिटी के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या होता है? सर इंटीग्रिटी का बेसिक मतलब है हम जैसे हैं अंदर से हम वैसे ही बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाइक अगर हम ईमानदार हैं तो बाहर ईमानदार, अगर हम जिस तरीके की भी पर्सन है, अगर साई पर्सन है तो बाहर भी साई पर्सन, तो वो इंटीग्रिटी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रिटी का क्या लेना देना है? सर डेफिनेटली बहुत लेना देना है, क्योंकि अगर हम डबल स्टैंडर्ड पीपल रहेंगे कि जैसे कि अगर हम सीनियर ऑफिसर्स के सामने ऐसे बिहेव करें कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वापस ऑफिस में जाके फिर वही लेथार्जिक वर्क करेंगे या पब्लिक डीलिंग नहीं करेंगे, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो बैरियर क्रिएट होगा और जिसकी वजह से जो हमें काम सौंपा गया है वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। जी अभी चर्चाओं में ग्रैंड मास्टर है जी सर, ना ये ग्रैंड मास्टर कैसे बनते हैं? सर ग्रैंड मास्टर के लिए जो FIDE इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो टूर्नामेंट्स कराते हैं जिसमें कम से कम 27 गेम्स होना जरूरी है। इसके अलावा जो 27 गेम्स हैं उनमें से 2 फेवरेबल रिजल्ट्स होने चाहिए, और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपोनेंट में से कम 33% ग्रैंड मास्टर्स होने चाहिए और 50% कोई ना कोई टाइटल होल्डर होना चाहिए। इसके अलावा जो 66% हैं वो किसी एक फेडरेशन से मैक्सिमम हो सकते हैं और 60% से ज़्यादा जो होम फेडरेशन है, मगर अगर इंडिया का कोई ग्रैंड मास्टर बनना है तो 60% से ज़्यादा उसमें जो पार्टिसिपेंट है अपोजिशन के वो नहीं होना चाहिए। तो सर ये कुछ रूल्स हैं सर। अच्छा, अभी कुछ चर्चा में है फिडे का कोई टूर्नामेंट हुआ है? जी सर। कहाँ पर? सर ये बाकू अजरबैजान में हुआ है, जो वर्ल्ड कप हुआ था चेस वर्ल्ड कप जिसमें मैग्नस कार्लसन ने जीता है, और इंडिया के लिए सर एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे जो रनर अप रहे प्राग आनंद उस रनर अप। अच्छा, इसकी विनिंग राशि क्या होती है? सॉरी सर इस विषय में जानकारी नहीं है। अच्छा, एक किताब है जीत आपकी। जी सर। सुना है? जी सर। किसकी है? सर ये सिर्फ खेड़ा जी की है। क्या है इसमें? सर ये मैंने पढ़ी तो है, काफ़ी पहले पढ़ी थी। सर ये मोटिवेशनल बुक है जिसमें पर्सनली मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके बताए गए हैं। जैसे एक कहानी है सर, उसमें बलून का उदाहरण दिया है कि मुझे याद कर पा रहा हूँ। इसमें एक बच्चा बोलता है कि बलून वाले के पास जाता है, बोलता है ये बलून ऊपर जाते हैं, मतलब एक बिना फूला हुआ बलून रहता है और एक वो
तो जब वो फुलाता है तो ऊपर जाता है, वो कहता है ये कैसे हुआ, तो कह रहा है जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, आप इंस्पायर्ड नहीं रहेंगे तो आप ऊपर नहीं जाएंगे, अगर वो नहीं है तो आप एक बिना हवा के बलून के जैसे। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी स्टोरी। मध्य प्रदेश के कोई राइटर रहे जिन्होंने मोटिवेशनल किताबें लिखी? सॉरी सर, ऐसे कुछ अभी जानकारी। अच्छा, आप आते हैं रायसेन से? जी सर। बड़ा फेमस क्षेत्र है ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर? जी सर। कौन कौन सी धरोहर हैं यहाँ पर? सर यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड सर दो साइट्स हैं, एक सांची स्तूप है, दूसरा भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है। भीमबेटका का क्या इम्पोर्टेंस है? सर ये स्टोन एज से रिलेटेड है और यहाँ पे सर पेंटिंग्स मिलती हैं, केव पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि लीनियर रिप्रेजेंटेशन किया गया और जो डेली लाइफ को दिखाती है उस समय के लोगों। कब हुई इसकी खोज वगैरह? सर इसकी 1957 में खोज हुई थी। 1957 में? जी सर। किसने की है? सर श्री वी एस वाकणकर। वाकणकर जी ने। ये वाकणकर जी के नाम पर कोई और स्थल भी है क्या प्रदेश में? सर एक मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन सर उज्जैन के आसपास कोई है सर। अच्छा, एक म्यूजियम भी है? सॉरी सर कहीं पर नहीं मुझे जानकारी है। वाकणकर म्यूजियम है मध्य प्रदेश में। थैंक यू सर। अच्छा, अब ये बताइए कि आज के पेपर में मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई तीन सूचना है, तीन इन्फॉर्मेशन। जी सर। सर पहली न्यूज़ थी सर महाकाल लोक से रिलेटेड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं, तो पहली तो ये न्यूज़ है। सर दूसरी एक न्यूज़ थी सर जो छिंदवाड़ा में सर एक नया उसको जिला को बांट कर एक पांडुर्ना करके जिला बनाने की जो चर्चा चल रही है। इसके अलावा सर जो लाडली बहना योजना है सर उसमें 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपये देने का जो प्रावधान किया जा रहा है। अच्छा, ये जो है जिले जहाँ भी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं हर जगह जिले की घोषणा करके आ रहे हैं। जी सर। अभी नए तीन जिले की घोषणा कर दी है। जी सर। तो ये जिले की घोषणा करना उचित है लगातार जो है प्रदेश में? ऑलरेडी कितने जिले हो गए हैं सर? अभी 53 है। 53 नया कौन सा जिला बना है? सर महूगंज बना। महूगंज बना, तो ऐसे अगर हम बनाते चले जाएंगे तो फिर प्रदेश में जिले ही जिले होते चले जाएंगे। जी सर, ऐसा नहीं है सर, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ जरूरत है और जहाँ पे लोगों की मांग है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं दिक्कत जा रही तो वहीं पर ये इसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी कोई तीन नए जिलों की घोषणा भी हुई है? सर एक महूगंज का ही था। हाँ। एक पांडुर्ना है, इसके अलावा सर एक उज्जैन से नागदा जिले की घोषणा। अच्छा, एक बागली की भी घोषणा करके आए हैं देवास जिले में, इस व्यवस्था की जानकारी। तो ऐसे और अभी एक शायद इधर यहाँ भी कहीं करके आया ना सर, गुना के आसपास कुछ जगह, ऐसे तीन चार जगह उन्होंने घोषणाएं की है चार छोड़ा करके। तो फिर ऐसे तो क्या हो जाएगा, राजनीतिक जो है स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा है? सर राजनीतिक से ज़्यादा सर मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है। तो अगर कहीं कोई बड़ा जिला है या जिले कई जिले ऐसे सर जैसे रायसेन जिला है। हाँ। तो सर वो बहुत किनारे में है, जैसे मैं उदयपुरा से रहने वाला हूँ तो मेरे यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है, तो जो हमें अगर जिला उसमें जाना है तो बहुत दूर सफर करना पड़ता है, एक पूरा दिन जैसा चला जाता है। हाँ, तो रायसेन जिले जैसे जिलों के लिए तो ठीक है। जी सर। लेकिन अभी जैसे महूगंज वगैरह इनकी तो बहुत कम डिस्टेंस थी। सर डिस्टेंस का नहीं पता, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक रीजन है वहाँ के लोकल डिमांड से उन बेसिस पे बनाए गए हैं सर ये। अच्छा, आज तीन कैबिनेट मंत्री बने प्रदेश में? जी सर। जानते हैं उनके नाम? सर अभी बने नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। यहाँ सुबह शपथ हो गई ना? सर शपथ होने का चल रहा था, आज बनने का था 8 बजे के आसपास। सुबह शपथ हो गई है। जानते हैं किस किस के नाम? सर एक नाम मुझे याद आ रहा है श्री गौरी शंकर सेजवाल जी का। हाँ। इसके अलावा सर दो नाम याद नहीं कर। अच्छा, अभी वर्तमान में रायसेन जिले से कितने कैबिनेट मंत्री हैं? सर एक है सर। कौन है? श्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। अच्छा, गोविंद सिंह जी कहाँ से आते हैं? सर ये सागर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ? जी सर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ बताइए। सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी सर ये पोएट हैं और इसके अलावा नेशनलिस्ट राइटर हैं, इसके अलावा इनको जो फर्स्ट इंडियन थे और फर्स्ट एशियन भी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए, कुछ बुक्स लिखी सर जैसे गीतांजलि है, काबुलीवाला है, गोरा है, ये सर कुछ बुक्स हैं फेमस। और हमारा राष्ट्रगान? सर राष्ट्रगान भी लिखा है। इन्होंने ही लिखा है? जी सर। अच्छा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या डिफरेंस है? सर राष्ट्रगान सर इसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है सर वहाँ से रिकॉग्नाइज किया गया है, और जो आया कहाँ से ही है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? सर ये बंगाल पार्टीशन से 1905 के बंगाल पार्टीशन से आया। अच्छा, और राष्ट्रगीत? सर राष्ट्रगीत श्री बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है और ये सर ये पहले से है सर, कुछ समय पहले से था। अच्छा जी सर। तो इसमें से किसको गाना कंपल्सन है? सर जैसे आप एक भारतीय नागरिक है तो नागरिक होने के लिए जो है इनमें से किसको कंपल्सन किया जा सकता है?
सर मुझे लगता है कि ये तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि लाइक हम गाएं हैं सर किसी को, फंडामेंटल एक तरीके से नेशनल एंथम है, तो वो भी सर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसको गाएं। मानते हैं फंडामेंटल ड्यूटी है, कहीं है 11 पॉइंट में फंडामेंटल ड्यूटीज में? सर एक पॉइंट है सर, मैं कंफ्यूज हूँ नेशनल सॉन्ग है या नेशनल एंथम में, लेकिन है सर ये, मैं लेकिन कंफ्यूज हूँ। अच्छा, अगर मान लो आप कहीं पर एक जगह पर खड़े हो या 26 जनवरी की परेड में आप अधिकारी के तौर पर है, वहाँ पर आप देखते हैं कि एक बच्चा जो है राष्ट्रगान नहीं गा रहा है, जी सर, आप क्या करेंगे वहाँ पर? सर वो बच्चा है तो मुझे लगता है, हो सकता है उसको पता नहीं हो, तो मैं उसे बताऊंगा बेटा ये आप मतलब आपका एक ड्यूटी है और इसको करो, अगर नहीं करता तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा सर। अच्छा, और ये मुस्लिम बच्चा है तो फिर? सर बच्चा बच्चा है सर, वो किसी भी धर्म से हो तो उसके लिए तो सर कंपल्सन करें। जैसे मान लो इसका एक अपन एक स्टेज और आगे बढ़ जाते, कोई प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर ऐसा घटनाक्रम हुआ, टीचर ने उसको बाहर कर दिया स्कूल से, वो आपके पास कंप्लेंट लेकर आया है, जी सर, अब आप इस पर क्या रिएक्शन करेंगे? हेड मिस्ट्रेस कह रहे हैं कि मैं हम इसको जो है कम से कम 50 बार समझा चुके हैं लेकिन ये जो है नहीं कर रहा है, जी सर, अब आप क्या करेंगे? सर इस तरीके से सर अगर हम किसी पर थोपेंगे, मुझे लगता है एक प्यार से अगर किसी से अच्छे से समझा दे, टीचर ने 50 बार कहा कम से कम 50 टाइम्स हो चुका है उसको समझाते हैं, उसके पेरेंट्स को भी बुला दिया लेकिन वो नहीं कर रहा है, जी सर, और उसको आखिर में जो है स्कूल वालों ने बाहर कर दिया, मीडिया में मुद्दा बन गया है, अब वो आपके पास में पहुंच जाता है मामला, आप डीएम है वहां के क्षेत्र के, एसडीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, जी सर, अब आप क्या करेंगे? मुझे लगता है पहले तो मैं उस बच्चे से बात करूंगा, पहले पूछूंगा उसका क्या रीजन है, वो क्यों नहीं गा रहा है, क्योंकि अगर उसकी मुझे प्रॉब्लम ही पता नहीं रहेगी तो मैं उसका सॉल्यूशन कैसे, अगर उसका मुझे लगता है कि क्या रीजन है तो मे बी 100% श्योर है कि वो गलत तरीका कुछ गलत ऐसी होगी जो उसके मन में होगा कि नहीं गाना है, मैं दूर करूंगा डेफिनेटली, वो मान जाएगा, हो सकता है वो मेरे सामने ही गाए और नहीं गाया तो वो तब भी गाने को तैयार नहीं हुआ कि सर मैं तो नहीं गा सकता। सर मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं किसी ना किसी तरीके से उसे मना लूंगा। नहीं, वो भी तैयार बैठा हुआ ना, वो तो नहीं, वो कह रहा हूँ ना फाइनल है उसका, वो तो नहीं गाएगा, आप चाहे स्कूल से बाहर निकाल दो। जी सर, तो आप स्कूल के विरुद्ध एक्शन लेंगे या स्टूडेंट के विरुद्ध एक्शन लेंगे? सर मैं एक्शन इसमें किसी के विरुद्ध नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि एक छोटी प्रॉब्लम में अगर हम इसमें बातचीत से सॉल्यूशन निकालना चाहिए, तो स्कूल में मैं कहूँगा इसको कंटिन्यू करने दो और काउंसलिंग की जाए, क्योंकि मे भी आज एक छोटी प्रॉब्लम है, कल को कोई दूसरी बड़ी प्रॉब्लम में वो हो सकता है, तो इस तरीके से काउंसलिंग बहुत जरूरी है सर। अंकित जी सर, सॉफ्ट करेंसी जानते हैं? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर डिजिटल करेंसी नहीं, सॉरी सर फिर सर। हाँ आप बताइए, जो सरकार MSP की घोषणा करती है, जी सर, ये MSP का निर्धारण कौन करता है? CACP होता है सर, एक कमेटी होती कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये सर निर्धारण करती है, इसके पास इसके बाद ये सर जाती है जो फाइनेंस कमेटी रहती है, जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी रहती है उसके पास जाता है, वहाँ से अप्रूवल के बाद फाइनली उसको करते हैं, लागू करते हैं। अच्छा ठीक है, आपने कानून एवं जो अपने अभी भारत में कानून एवं न्याय मंत्रालय, इनके मतलब ये मंत्रालय किसके अधीन है अभी? सर मैं अभी चेंज हुए हैं सर मंत्री जी, मुझे फेस याद कर पा रहा हूँ लेकिन सॉरी सर मैं नाम याद नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा आप बताइए मुझे कि जनसंख्या वृद्धि, जी सर, किसी भी देश के लिए किस प्रकार से उसमें रहने वाले जो समाज है उस समाज में अराजकता पैदा कर सकता है? सर अराजकता, जी सर, अगर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है, अगर हम पर्टिकुलर एक रीज़न लें, अगर वहाँ पर रिसोर्सेस कम हैं तो एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा, वो अगर कंपटीशन एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो सर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। साथ ही साथ अगर हम इसे रिलीजन से जोड़ें तो रिलीजन में अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन की ज़्यादा हो रही तो एक डोमिनेंस क्रिएट करने की वो कोशिश करेंगे, तो एक इकोनॉमी, दूसरा रिलीजन, तीसरा सर कोई रेस या कास्ट से बेसिस भी हो सकता है, अगर पर्टिकुलर कास्ट या रेस में अगर कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो ये छोटे कन्फ्लिक्ट से बड़े कन्फ्लिक्ट और मे बी सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट हो सकता है। तो मुस्लिम कास्ट में तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो उनमें आपस में कभी नहीं देखा है ऐसे कि आपस में लड़ाई हो गई उनकी? सर मैं दो अलग कम्युनिटी के विषय में बात कर रहा था, तो उस विषय में सर कि अगर दो कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी हैं। चलिए ठीक है। अच्छा आप बताओ, आप शतरंज खेलते हैं, जिसकी हॉबी है, जी सर, स्टेलमेट क्या होता है उसमें? सर स्टेलमेट एक कंडीशन होती है जहाँ पे
किंग जो रहता है वो अंडर अटैक नहीं रहता, लेकिन उसके पास कोई लीगल मूव भी नहीं रहता चलने को, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन स्टेलमेट होती है, और अगर स्टेलमेट की कंडीशन आती है तो सर गेम ड्रॉ हो जाता है। गेम ड्रॉ हो जाता है जी सर। ठीक है, तो कितने परसेंट चांस होते हैं गेम ड्रॉ के लगभग आपके अकॉर्डिंग? सर मुझे लगता है 50-50% चांसेस है, या तो जीतेंगे या ड्रॉ होगा गेम। अच्छा, तो सर दो ही कंडीशन हो सकती है, लेकिन ड्रॉ की संभावना बहुत कम होती है। थैंक यू सर, मुझे ये जानकारी बहुत रेयर केस में होती है जी। चलिए, अच्छा इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? सर 64 होती है। 64 होती जी सर। एक इसमें गैम्बिज एक शब्द है, सुना है आपने? सॉरी सर, ये शब्द नहीं सुना। चलिए ठीक है। अच्छा आप बताइए, ये जो भारत की इकोनॉमी है अभी, इस इकोनॉमी में अभी सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय आय में योगदान है वो किस सेक्टर का है? सर ये टर्शियरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का। जी सर। तो कितना प्रतिशत है लगभग? सॉरी सर, अभी मैंने वो जानकारी इकट्ठी नहीं की है। अच्छा तो। अच्छा, कोई भी जो देश होता है, अर्थव्यवस्था होती है, उसके विकास के तीन चरण होते हैं, वो तो तीनों चरण आप बताएं। सर पहला तो सर एग्रीकल्चर में ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, इसके बाद सर सिक्वेंसली अगर देखें तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर शिफ्ट करेगा, उसके बाद सर्विस सेक्टर पे। लेकिन इंडिया सर इसमें एक्सेप्शन की तरह देखा जाता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट सर हम मूव किए हैं सर्विस सेक्टर पे। क्या रीज़न रहा इसका? सर एक गवर्नमेंट पॉलिसीज रही हैं कि जिसमें हम सर्विस सेक्टर, साथ ही साथ जो हमारा एजुकेशन लेवल पे जो इंटरेस्ट है, लोगों ने खुद इंटरेस्ट दिखाया वो है सर। इसके अलावा सर जो कंपनीज थी सर एलपीजी रिफॉर्म से पहले जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी सर, उनके रेगुलेशन में जो लाइसेंसी राज था कुछ, उस वजह से भी सर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है इस वजह से सर्विस सेक्टर बूम किया। तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे जिसको आप 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं उसको, जी सर, इसको लाने के पीछे के बेसिक कारण क्या थे? सर पहला बेसिक कारण था सर हमारा जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे सर, वो बहुत कम हो गए थे, उसका एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सर बहुत कम हो गए थे जो हम सस्टेन नहीं कर पाते। टू वीक्स का, सॉरी सर, दो सप्ताह का बचा। जी सर, थैंक यू। तो उस वजह से सर हमने सर IMF और वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी, तो ये कंडीशन हम पे रखी गई थी कि हम LPG रिफॉर्म्स लाएं तब जाके हमको फंडिंग मिलेगी, इस वजह से हमें लाना पड़ा। वो तो ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व एक मेजर बात हो गई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, वो क्या प्रॉब्लम्स थी जिससे मजबूर हो ही गए हम बिल्कुल? जी सर, कुछ प्रॉब्लम थी सर, जैसे बैंकिंग सेक्टर में सर, जैसे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, कि जैसे CRR जो रहता है या SLR था सर, वो बहुत ज़्यादा था, लगभग 15% CRR और 35% SLR था, तो जो फाइनेंसिंग थी सर वो बहुत कॉस्टली पड़ रही थी, तो उसको कम किया गया था। इसके अलावा सर जो लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, लाइसेंसी राज था वो। इसके अलावा सर प्राइस रेगुलेशन होता था प्रोडक्ट का, तो वो एक दिक्कत थी। इसके अलावा सर एक्सपेंशन करने के लिए अगर कोई कंपनी है उसको एक्सपेंड करना है, उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती थी, तो इतनी ज्यादा परमिशंस थी सर कि इंडस्ट्री सर एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी, तो कुछ समस्याएं थी सर इस वजह से। इंडो पैसिफिक जो रीजन है जी सर, वो कहाँ से कहाँ तक है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पॉइंट बताइए, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ पॉइंट बताइए। सर एग्जैक्ट नहीं, मैं सर गेस करना चाहूंगा सर। सर ये अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन के बीच में अगर हम ईस्ट वेस्ट में देखें, इसके अलावा इंडिया की बॉर्डर से नॉर्थ में देखें तो साउथ में अंटार्कटिक तक सर ये जाते हैं। तो अंटार्कटिक ऐसे तो बोलें कि बोलो पूरा वो तो अंटार्कटिक, वो तो बड़ा एक जी सर सी मतलब ओशियन है जी सर, ऐसा कोई महाद्वीप जो है कॉन्टिनेंटल है उनके बीच का भी कुछ पता हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये महाद्वीप से ये महाद्वीप, ऐसा कुछ मालूम? जी सर, अगर महाद्वीप में बात करें तो सर इंडो पैसिफिक की बात हो रही, तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन हो रहा है, तो इंडियन ओशियन की बॉर्डर सर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देख सकते हैं, पैसिफिक ओशियन के जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा सर एशिया से हम नॉर्थ में देख सकते हैं इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ऊपर सर रशिया अलास्का तक पैसिफिक ओशियन जाता है, और साउथ में सर अंटार्कटिक ओशियन तक। ठीक है, कुछ है लेकिन थोड़ा सा उसमें दिक्कत है जी सर। ओके, जो है स्क्वायर होते हैं जी सर 64 के सर रूल्स है सर, ये एक तरीके से हम जो रैंक 64 कर लेते हैं
100 कर लेते सबसे अच्छा काम है, अपन तो रहता ना जैसे आपके ऐसे पैसे रखे हुए हैं जी सर, 80 रुपीज होंगे तो आपने 20 और जोड़ के 100 संभाल के रखा होगा जी सर, तो अपन 100 कर लेते इसको जी सर। बिल्कुल सर कर लेते, लेकिन सर किसी भी गेम के पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। तो इसका 84 होने का कोई कारण रीजन तो रहा होगा ना? सर ऐसा कोई मुझे पर्टिकुलर रीजन नहीं मिला है मुझे, लेकिन सर जो चतुरंगा जो गेम था उस हिसाब से सर जो चार जो डिवाइड किए हैं जो चार उसमें भागों में, तो उस हिसाब से 64 सही है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से गेम चल रहा है बहुत अच्छा वो ठीक है, लेकिन रीजन क्या था मैं तो बस ये जानना चाह रहा। ठीक है, थैंक यू।